हेलो फ्रेंड्स, यह देख सकते हैं आप, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो मैंने खुद इसका वाइंडिंग किया और मैंने बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वायर आउटपुट के लिए मैंने रखा है। तो इसमें अगर अब मैं आपको 17 वोल्ट, तो मैंने मेरा पास एक 12 वोल्ट का मोटर है, यह है डीसी मोटर। तो सोचेंगे क्या मैंने अगर डीसी मोटर को एसी में लगा दूँ तो क्या ये घूमेगा? नहीं दोस्त, देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन दे रहा हूँ, ये सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है लेकिन ये घूम नहीं रहा है। अगर ज़्यादा टाइम रख दिया तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो हम इसे घुमाने के लिए एक रेक्टिफाई पोल बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेक्टिफाई पोल है। तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकता हूँ या फिर निकाल के भी बना सकता हूँ। तो मैं आपको निकाल के बना के दिखा दूँगा, तो ताकि आपको समझ में आसान हो। डायोड को निकाल लूँगा, ठीक है। डायोड का काम आप लोग जानते हैं शायद, डायोड का काम होता है डायोड के बीच में सिर्फ पॉजिटिव जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता है, और ये एसी करंट को डीसी में सेंस करता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने 4 डायोड मैंने निकल लिए है। तो ये डायोड से कैसे एक रेक्टिफायर पोल बनाना है, तो मैंने इसका डायग्राम भी मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है रेक्टिफायर का डायग्राम, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, डायोड से जो फुल वे रेक्टिफाई सर्किट बनता है वो मैंने बना लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस मोटर और इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर रख रहा हूँ। इस मोटर को मैंने यहाँ पर रखा, और ये जो मैंने सर्किट बनाया इसका मैं डायग्राम आपको दे दूँगा। डायग्राम में कैसे लगाना है आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो अब मैं इस ट्रांसफार्मर में अब मोटर का जो वायर है मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, देख सकते हो दोस्त, अब ये बिल्कुल घूम रहा है क्योंकि डायोड ने एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये मोटर का स्पीड अब बहुत ही पावरफुल है। तो वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया, और हमारे चैनल को कर दीजिए एक सब्सक्राइब, ताकि परवर्ती हमने दूसरा वीडियो जब लेके आए तो आपको ज़रूर मिल जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।